नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। देश भर में अग्निवीरों का प्रदर्शन जो है पिछले चार दिनों से आप देख रहे हैं किस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर के अग्निवीर जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया, जिसमें रेलवे को लगभग बहुत सारे नुकसान हुए हैं। अब इनके प्रदर्शन के बाद से कहीं ना कहीं सरकार से इनकी जो मांगे थी कि कम से कम 4 साल के बदले या तो समय ड्यूरेशन बढ़ाया जाए या फिर कई विभागों में आरक्षण दिया जाए, तो अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बता दें आपको कि अग्निवीर योजना के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने शनिवार को अग्निवीरों के लिए नई राहत भरे ऐलान किए हैं। गृह और रक्षा मंत्रालय ने अपने विभागों की भर्तियों में 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य मंत्रालय भी अग्निवीरों को नौकरियों में रियायत देने की तैयारी में की है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। 4 साल की सेवा पूरी करने वालों को अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। वहीं बातचीत करें आपको कि पहले बैच के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय में 10% पद आरक्षण करने का फैसला किया है। अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक बल, सिविल पदों तथा 16 सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों के आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह पूर्व सैनिक को मिलने वाले आरक्षण के अतिरिक्त होगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को उनकी योग्यता के अनुरूप रक्षा मंत्रालय के विभिन्न महकमों में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तटरक्षक बल, सिविल पदों तथा 16 सार्वजनिक उपक्रमों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, गर्डनी रिचिट, इन तमाम जगहों पर जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से इनको ये पद जो है इन पे आरक्षित रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए संबंधित महकमों में भर्ती नियमों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों में भी कहा गया है कि वे इनके लिए आवश्यक जो है वो संशोधन करें। जिस तरीके से पहले बैच के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, केंद्रीय बलों में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद योग्यता के अनुरूप लाभ मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि आवास एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों, सशस्त्र बलों में 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को भर्ती करने का काम करेंगे। पतन पोत परिवहन और जल मंत्रालय ने मर्चेंट नेवी की भूमिका में अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए 6 सेवा अवसरों की घोषणा की है। ये सेवा अवसर नौसेना में देने वाले अग्निवीरों के लिए होगी। वहीं बातचीत करें, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रालय ऐसे युवाओं के लिए एक अकाल्पनिक पाठ्यक्रम लाने पर विचार कर रहा है ताकि उन्हें खेल क्षेत्र में प्रशिक्षकों या स्कूल कॉलेजों में शारीरिक शिक्षकों की नौकरी मिलेगी। वहीं बातचीत करें नागर विमानन की, मंत्रालय ने कहा कि 4 साल की नौकरी करने वाले अग्निवीरों को एयर ट्रैफिक और विमान तकनीशियन सेवाओं में अग्निवीरों के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरीके से लगातार जो अग्निवीर प्रदर्शन कर रहे थे उनकी मांगे जो थी वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे पूरी हो रही है। सभी विभागों में, सभी सैन्य विभागों में कहीं ना कहीं 10% आरक्षण के साथ सैन्य विभाग के अलावा अन्य विभागों के मंत्रालय ने कहा है कि अग्निवीरों से रिटायर होने वाले जवानों को वो अपने अपने विभाग में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पद के लिए आरक्षित सेवाएँ जो हैं वो देने की तैयारी में है। तो लगातार 4 दिनों से देश के कई राज्यों में अग्निवीरों का प्रदर्शन चल रहा था। कल बिहार बंद था और बिहार बंद में भी कई जगहों पे अग्निवीरों के जिस तरीके से अग्निवीरों के आड़ में प्रदर्शन हुआ, कई जगहों पे स्टेशन को है जला दिए गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ों पे नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है और मंत्रालय ने कल ही फैसला लिया है कि अग्निवीरों को तमाम सैन्य बलों में, अन्य बलों, अन्य जगहों पे जो है नौकरी के लिए आरक्षित करने की तैयारी कर रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में, हम आगे खबरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।